आखिरकार लॉकअप में कैद होने के लिए तैयार हैं ये 6 कंटेस्टेंट्स। कौन कौन से हैं वो 6 कंटेस्टेंट्स, किस नाम का हुआ है खुलासा और इस पूरी खबर की जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ध्यान से देखिए वीडियो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, स्निग्धि स्निग्धा के नाम से मौजूद हूँ मैं। अब आप सभी को बता दूँ कि लॉकअप में कैद होने के लिए बहुत ही जल्द तैयार है ये सभी के सभी कंटेस्टेंट्स जिनका नाम आ रहा है सामने। ऐसे में सबसे पहला नाम जिसका सामने आ रहा है वो है पूनम पांडे। जी हाँ, पूनम पांडे जो कि अपने काफी ज्यादा सेक्सी हॉट अवतार की वजह से पॉपुलैरिटी गेन करती रहती हैं, सुर्खियों में बनी रहती हैं और अब अपने फाइनली इस रिवीलिंग अंदाज के साथ अब वो बहुत जल्द लॉकअप रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाली हैं, क्योंकि फाइनली उन्होंने साफ कन्फर्मेशंस भी दे दिए हैं क्योंकि वो इन दिनों इन चीज़ों से बोर होकर कुछ नया करना चाहती हैं। तो फाइनली अब बहुत जल्द इस रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाली हैं पूनम पांडे। वहीं दूसरा नाम सामने आया है वो है सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल। ऐसे में रोहमन की जब एंट्री होगी इस रियलिटी शो में तो आखिरकार सुष्मिता से जुड़े कई सारे कारनामे और बातें खुल्लम खुल्ला हो सकती है, यानी कि खुलासा हो सकता है कि आखिरकार रोहमन और सुष्मिता के बीच क्या कुछ चल रही थी बातें और क्यों ब्रेकअप हुआ, आखिरकार ये रिश्ता यहाँ तक क्यों पहुँचा। तो जब रोहमन शॉल होंगे इस रियलिटी शो का हिस्सा तो होगा सुष्मिता से लेकर बड़ा बड़ा खुलासा। वही तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है टीवी से जुड़ी हुई एक्ट्रेस, यानी कि जैसा कि आपको बता दूं कि गहना वशिष्ठ का, हालांकि फिलहाल गहना वशिष्ठ लगातार राजकुंद्रा मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही थी और इस वजह से राजकुंद्रा मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली और कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी रहने वाली गहना वशिष्ठ भी अब बहुत जल्द लॉकअप शो का हिस्सा बनने वाली हैं। तो गहना वशिष्ठ के नाम भी आ रहे हैं सामने, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी भरने के लिए द लोटस के फाउंडेशन ओम स्वामी भी एंटर करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए इस रियलिटी शो में। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के कंटेस्टेंट, पॉपुलर कंटेस्टेंट एंड फर्स्ट रनर अप प्रतीक सहजपाल बहुत जल्द करेंगे इस लॉकअप में एंट्री। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि मोस्ट हाईलाइटेड पर्सनालिटी ऑफ बिग बॉस ओटीटी यानी कि उर्फी जावेद, जी हाँ उर्फी जावेद के नाम का भी हुआ है खुलासा, जो कि अपने रिवीलिंग कपड़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां अक्सर बटोरती रहती हैं, ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। फाइनली उर्फी की भी होने वाली है लॉकअप में एंट्री, यानी कि लॉकअप में होने वाली है वो कैद। तो लगातार आपको बता दूं कि इन नामों का फिलहाल अब तक हुआ है खुलासा और ये कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं लॉकअप में कैद। तो कंगना रनौत के इस शो में इन कंटेस्टेंट्स को लेकर खुलासा हुआ है, अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई ये सभी के सभी लॉकअप में हो जाएंगे कैद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आखिरकार आप और किस कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं इस रियलिटी शो में और इन कंटेस्टेंट में से किसके लिए सबसे ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।